हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं गिरफ्तार व्यक्ति का क्या क्या अधिकार है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार रहता है, वह क्या क्या कर सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सब अधिकार के बारे में। सबसे पहला है गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर हाजिर करना। जैसे मान लीजिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली तो उसका एक कर्तव्य बन जाता है कि वह 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर नहीं कर पाता है तो वह दंड का भी भागी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो वह उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक तक के लिए नहीं रख सकता है। जब मजिस्ट्रेट का आदेश मिलेगा तभी वह 24 घंटे से अधिक तक रख सकता है, अन्यथा नहीं रखेगा। और यह राइट एक फंडामेंटल राइट है जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में दिया गया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है जिसे राज्य भी नहीं छीन सकती हैं, और इसके उल्लंघन पर गिरफ्तार व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करना होगा तो आर्टिकल 32 के तहत, तथा अगर हाई कोर्ट में रिट दायर करना होगा तो आर्टिकल 226 के तहत वह रिट दायर कर सकता है। इसके अलावा एक और है कि यदि पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करती है तो वह पुलिस अधिकारी यहाँ तक कि दंड का भी भागी हो सकती है, जिसका प्रावधान अगर BNS में देखे तो BNS मतलब जो नया IPC है उसके सेक्शन 258 के तहत पुलिस अधिकारी को दंड भी मिल सकता है। तथा इसके संबंध में BNSS में भी प्रावधान किया गया है। BNSS मतलब जो नया CRPC है उसमें भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे हम देखें तो सेक्शन 58, सेक्शन 78 तथा सेक्शन 170 का क्लॉज 2 भी यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दूसरा है मुआवजा की मांग, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति मुआवजा की भी मांग कर सकता है, लेकिन यह तब करेगा इसको पहले जान लेना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी अवैध रूप से की जाती है या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध हिरासत में लिया जाता है तो उस जगह पर गिरफ्तार व्यक्ति मुआवजा की मांग कर सकता है। इसके संबंध में सबसे पहला केस आया रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो 1983 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ था, और वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया था उसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ था, तो इसमें कोर्ट ने उसको मुआवजा अर्थात प्रतिकर दिलवाया था। और इसके अलावा भी 2-3 केस है, जैसे विद्यावती का वाद आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी तो उसके कारण पुलिस से मुआवजा प्रदान करवाया गया था। इसके अलावा भीम सिंह का भी वाद है, मतलब इसके अलावा बहुत सारा वाद है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को मुआवजा की मांग किया गया और कोर्ट द्वारा उसे मिला भी। तीसरा अधिकार है गिरफ्तारी की सूचना अपने परिचितों को दिलवाने का अधिकार, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति यह कह सकता है कि वो जो गिरफ्तार हुआ है उसकी सूचना उसके परिचित व्यक्ति को दिया जाए। यहाँ परिचित व्यक्ति से तात्पर्य उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं या उसके मित्र या कोई भी व्यक्ति जो उसका जान पहचान होगा उससे वह सूचना दिलवा सकता है। अर्थात पुलिस अधिकारी का यह ड्यूटी बन जाता है कि वह जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसकी सूचना उसके परिजनों को दे। इसके संबंध में एक केस आया था DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।